जिसने आत्महत्या की क्योंकि वो दहेज नहीं दे पाई। लेकिन ये दहेज की प्रथा दूर होनी चाहिए, ये उनकी मांग है। एक महिला के नाते अपनी बेटी जिसने खोई है उसकी मांग सामाजिक कुप्रथा के विरोध की भी है कि हमें मंजूर है, मंजूर है। पर ये दहेज की प्रथा के बावजूद धनिकों की बेटियों को आत्महत्या कम करनी पड़ती है, गरीबों को आत्महत्या ज्यादा करनी पड़ती है। वो एक एकड़ खेती में सोयाबीन पकाने वाले किसान 2600 रुपए दाम मिलता है, 7000 रुपए कमाई कमी होती है, वो खर्च नहीं निकाल सकती, वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। ये कांता भाई ने अपनी बात रखी है। क्या कांता भाई का दर्द हम सबका दर्द है? उन्होंने भी प्रधानमंत्री को ऐलान किया है, प्रधानमंत्री जी को ऐलान के साथ साथ उस समाज को ऐलान कर रही है। हम सब लोग कांता भाई की एक छोटे से छोटे सीमांत किसान के दर्द समझ ले, और वो चाहती है कि सही दाम मिले और तभी जाके जीना संभव हो जाए। वो नौकरी चाहती है, वो अपनी बेटी के लिए भी कुछ चाहती है, लेकिन दूसरों की बेटियों को ऐसी आत्महत्या न करनी पड़े, ये उनका दिल का ऐलान है। साथियों, अगर राजेश्वरी जी और साथी पधारे हैं तो मुझे बताया जाए, आंध्र प्रदेश की राजेश्वरी जी, राजेश्वरी की और साथी रमा देवी, आंध्र प्रदेश से अभी महिलाएं पहुंची हैं संसद में, हम उनका स्वागत करें और रमा देवी जी को बात रखने के लिए हम बुलाएं। रमा देवी जी, आंध्र प्रदेश अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। నేను వెళ్ళాను, నాకు ఒక పాప ఉంది,